हेलो फ्रेंड्स, आरपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स थ्रू एमसीक्यू। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स एंड एनसीईआरटी से लिया गया है। ये कोर्स एसएससी, रेलवे और अन्य कंपटीशन के लिए काफ़ी ही बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, आप पेन एंड पेपर सबसे पहले लेकर बैठ जाएँ और सबसे पहले ये सारे क्वेश्चंस जो मैं बताने जा रहा हूँ एक बार खुद से अटेम्प्ट करें और ईमानदारी से अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आपको पता चल पाए कि आप कॉम्पिटिशन्स कितने से कर रहे हैं और आपका एक्चुअल मार्क्स क्या आने वाला है एग्जाम में। मीन 60-70% मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, मड हाउसेस आर कूलर इन समर्स एंड वार्मर इन विंटर्स एज कम्पेयर टू ब्रिक हाउसेस बिकॉज। अब इस क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि जो मिट्टी के घर होते हैं ना, वो गर्मी के दिनों में ठंडी और ठंडी के दिनों में गर्म क्यों होती है। तो इसका सही जवाब हमारा ये होता है कि अगर मिट्टी के हाउस हो ना, तो वो क्या हो ना, वो कंडक्टर नहीं होता, बिल्कुल वो बैड कंडक्टर होता है। तो अंदर की हीट बाहर नहीं जाने देता और बाहर की हीट अंदर आने नहीं देता, ठीक है। इसीलिए गर्मी के दिनों में थोड़ी ठंडी होती है और ठंडी के दिनों में थोड़ी गर्म होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो सेकेंड होगा हमारा राइट आंसर, द मैड इज ए बैड कंडक्टर, ठीक है। टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है ये, आफ्टर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ यूज ए ग्रे स्पॉट डेवलप्स ऑन द इनसाइड ऑफ ए बल्ब, दिस इज बिकॉज। मीन्स अगर बल्ब को आप लंबे समय के लिए आप अगर यूज कर रहे हो टंगस्टन, वो अभी सीए फेल वाले नहीं, पुराने वाले जो येलो कलर के बल्ब आते थे वो वाले, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि एक बार गर्म हो जाने के बाद, बहुत दिनों के बाद, हल्के हल्के एक स्पॉट, मतलब ग्रे कलर का एक दाग जैसा कुछ लग जाता था। वो क्यों होता था? तो वो होने का मेन कारण ये होता था कि टंगस्टन जब गर्म होता है ना फिलामेंट, तो धीरे धीरे वो इवेपोरेट होता है, वो कहीं पर कलेक्ट हो जाता है। और ज़्यादा कलेक्ट होते होते फिर क्या होता है वो, कि एक बार वो फ्यूज हो जाता है, फिर बल्ब क्या है कि वो लाइट देना बंद कर देता है। मीन्स इन शॉर्ट वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब थर्ड होगा, डस्ट इनसाइड द बल्ब कंडेंसेस ऑफ द टॉप, ठीक है। तो थर्ड हमारा क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, शुड कार्स हैव बम्पर्स दैट कोलैप्स अंडर इंपैक्ट। अब देखो, कार में जो बम्पर होते हैं ना, जो बिल्कुल आगे और बिल्कुल पीछे होते हैं, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है वो हम देखेंगे। उसका प्राइमरी फंक्शन होता है कि अगर आप की स्पीड थोड़ी धीमी हो और किसी से अगर आप टकरा जाए, किसी इंसान से आप टकरा जाए या आप कहीं पे भी टकरा जाए, तो गाड़ी पे कम इम्पैक्ट आ करके बम्पर वो क्या है ना, इम्पैक्ट थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। बट अगर स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो तो ज़्यादा हेल्प आपका नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फोर्थ हमारा सही जवाब होगा, यस, सीन्स दे हेल्प टू एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट ऑफ ए कोलिजन एंड कीप द ऑक्यूपेंट सेफ। मीन्स उसके अंदर जो इंसान जो ड्राइव कर रहा है ना, और लोग बैठे हैं, उसको वो सुरक्षित रहता है। बट इसका कंडीशन यही होता है कि स्पीड नॉर्मल होनी चाहिए। 100 और 120 की स्पीड पे बम्पर कोई काम नहीं आएगा और गाड़ी क्या हो जाएगी, क्रैश कर जाएगी, ठीक है। तो फोर्थ इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, आइस क्यूब्स आर एडेड टू ए ग्लास ऑफ प्योर वाटर एंड ए ग्लास ऑफ प्योर अल्कोहल, द आइस वुड बी। आपने कई मूवी में देखी होगी कि जब लोग बियर या फिर शराब पी रहे होते तो उसमें क्या डालते हैं, आइस क्यूब डालते हैं। वो आइस क्यूब क्या, ग्लास के अंदर चला जाता है। बट वही चीज़ घर में अगर आप शरबत बना रहे हो और उसमें अगर आपने बर्फ डाला, तो वो क्या होता है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करता, मीन्स तैरता रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्ला यह ना, पानी की डेंसिटी, ये आइस की डेंसिटी थोड़ी कम होती है, सॉरी मीन्स ये अल्कोहल से डेंसिटी थोड़ी कम होती है। तो उससे क्या होता है ना कि वो उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझिए इस चीज़ों को कि पानी की डेंसिटी है ना, वो अल्कोहल की डेंसिटी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि पानी में जब बर्फ़ डालते हैं तो तैरने लगती है, और जब अल्कोहल में वही हम डालते हैं तो वो डूब जाती है, ठीक है। तो अब देखो उसका रिएक्शन क्या होगा वो हम देखते हैं, एट ए हायर लेवल इन वाटर, मीन्स पानी में अगर डालेंगे तो हायर लेवल पर वो फ्लोट करेगा। तो सही जवाब हमारा क्या होगा, फर्स्ट वन होगा, ठीक है। टिक करके एग्जाम में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, ए पर्सन वियर्स स्पेक्टिकल्स with concave lenses, it means that normally when not using glasses the image of distant object is focused in his eyes. अब देखो, जो कनकेव लेंस अगर पहनते हैं, जिसे अगर कम दिखाई दे रहा हो, तब देखो इमेज कहाँ पे बनता है, तो इस कंडीशन में इमेज हमारा बनता है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना का थोड़ा सामने बनता है, ठीक है।
इसीलिए आपको क्या है ना, दूर वाले देखने में हो सकता है थोड़ी परेशानी हो। तो सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा इन फ्रंट ऑफ रेटिना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ए लाइफ जैकेट। अब देखो लाइफ जैकेट का काम क्या होता है, अगर आप बोट में गए हो या स्विमिंग पूल में गए हो तो वहां पे एक लाइफ जैकेट होता है। तो लाइफ जैकेट का बेसिक फंडा ये होता है, आपके शरीर के वॉल्यूम बढ़ा देता है और वॉल्यूम इतना बढ़ा देता है कि पानी पे आप फ्लोट कर पाए। ठीक है, ये वही प्रिंसिपल है कि कढ़ाई पानी में तैरती है बट सुई डूब जाती है। तो ये सिमिलर प्रिंसिपल, मतलब आपके बॉडी का मास ज्यादा नहीं बढ़ता है, सिर्फ आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो अब देखो ये वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ अब देखो इसका रिएक्शन क्या होगा, इट डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द पर्सन टू कीप हिम अफ्लोट। अब देखो ये हमारा क्या होगा, सेकेंड हमारा सही जवाब होगा, इट इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द पर्सन टू कीप हिम अफ्लोट। ये क्या है ना, पर्सन का वॉल्यूम बढ़ा देता है ताकि आप पानी में तैरने लगते हो, आप आसानी से नहीं डूबेंगे। तो सेकेंड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मायोपिया इज द सेम एज। अब देखो मायोपिया किसे बोलते हैं, तो मायोपिया हम बोलते हैं नियर साइटनेस को, मीन्स दूर की वस्तु आपके थोड़ी क्लियर नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो इसका पहला हमारा सही जवाब होगा नियर साइटनेस, इसे हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, सन्स हीट रीचेज अस बाई। अब देखो सूर्य की रोशनी है वो धरती पे कैसे आती है, तो धरती पे जो आती है ना उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, रेडिएशन। मीन्स ये रेडिएशन के माध्यम से ही आती है। अब देखो रेडिएशन होता क्या है, तो रेडिएशन है ना एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जेटिक पार्टिकल्स है ना, ये एनर्जेटिक वेव्स है, वो वैक्यूम में ट्रेवल करती है। ठीक है, और वो मैटर है ना, वो मीडिया जो कंटेंट करती है वो प्रोपोगेट करती है। तो ठीक है, तो ये बोल एक तरह से और इसको ऐसे समझिए कि सूर्य की किरणें हैं ना सनरेस, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह है। ठीक है, तो शॉर्ट में आप आंसर क्या याद रखेंगे, हीट जो पहुंचती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेडिएशन। तो थर्ड हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ए स्फीयर रोल्स ऑन टू इंक्लाइंड प्लेन्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स बट सेम हाइट, इट डज सो। अब देखो अगर एक ही हाइट से अगर दो स्फीयर, दो सॉलिड गोले को अगर हम ढलान पे अगर स्लोप पे रखते हैं तो क्या होगा, तब देखो इसमें क्या होगा कि अगर देखो हाइट अगर थोड़ी सी ज़्यादा होती तो ज़्यादा फर्क पड़ता, बट चूंकि हाइट यहाँ पे सेम है और सेम गोला है तो फिर क्या होगा, फिर तो सेम स्पीड से ही वो आएगा। ठीक है ना, तो सेकेंड इसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन हीटिंग फ्रोजन फूड्स इन सील्ड पाउचेस इन माइक्रोवेव्स व्हाई डू यू फर्स्ट पोक होल्स इन द पाउच। अब देखो माइक्रोवेव ओवन में अगर किसी चीज़ को अगर आप डालते हो और वो पैकेट पूरा मतलब सील्ड है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन से क्या होगा ना, फट जाने का डर होगा, बस्ट कर सकता है, मीन्स वो ब्लास्ट कर सकता है इन शॉर्ट। तो इजीली क्या है ना, हम छोटे से उसको पोक करके होल कर देते हैं, छेद कर देते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि जो भी स्टीम होगी ना अंदर की वो बाहर निकल जाएगी। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, टू प्रिवेंट द स्टीम प्रेशर फ्रॉम बस्टिंग ओपन द पाउच। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा फर्स्ट वन। आगे बढ़ते हैं, ए वैक्यूम क्लीनर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर डिफरेंस ऑन द मून इट विल। अब देखो वैक्यूम क्लीनर जो आप कहीं होटल में देखे होंगे, आप रूम में भी आप यूज कर रहे होंगे या कार में भी आपने देखा होगा डस्ट क्लीन के लिए, तो उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि जैसे हम फर्श से जैसे ही हम लगाते हैं इसे, तो वो क्या है ना, वो अंदर थोड़ा लो प्रेशर क्रिएट करता है और बाहर में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है, तो लो प्रेशर की ओर क्या है ना वो ऑटोमेटिक वो खींची चली आती है। ठीक है, बट देखो अब मून में ये तो फंक्शन ही नहीं है, तो मून में क्या होगा बेसिकली, ये काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इसमें सही जवाब क्या होगा, नोट वर्क एट ऑल, क्योंकि मून पे क्या है ना प्रेशर तो है ही नहीं, आप लोअर हायर प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते, तो इसीलिए क्या होगा कि वैक्यूम क्लीनर मून पे काम नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर द वर्ल्ड। अब ये देखो इस चीज़ को आपने कई बार देखा होगा, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइव करते समय क्या आपने मिरर में देखा होगा, क्या दिखता है आपको, कुछ इस तरह का लिखा होता है एम्बुलेंस में और आपको कुछ एम्बुलेंस का करेक्ट फॉर्मेट दिखता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिमिलरली रीजनिंग में भी, अगर आप SSC या बैंकिंग का एग्जाम्स दे रहे हो तो रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं मिरर इमेज के क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्या होगा,
करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये सॉरी ये है ना, इस तरह से तो करेक्ट है ना, हमारा ये आएगा, ये हमारा क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। मीन्स बिल्कुल है ना, मिरर इमेज बन जाएगी। नेक्स्ट है, रबर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 2 meters, टू व्हाट हाइट इट विल राइज इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी वेलोसिटी आफ्टर रिबाउंडिंग। अब देखो, ये जब किसी चीज को हम ड्रॉप करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, एवरी टाइम वो 1/5 है ना वो लूज कर देता है अपना, ठीक है। मीन्स अगर 5 meter से अगर किया तो नेक्स्ट टाइम क्या, 4 meter ही बाउंस करेगा। बट यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना कि किसी तरह का है ना कोई लॉस नहीं है, कोई एनर्जी या कोई वेलोसिटी का लॉस ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। अगर सेम टू सेम रहेगा तब क्या होगा, तो ये 2 meter है तो 2 meter ही हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड हमारा होगा करेक्ट आंसर 2 meters। एग्जाम में अगर आए क्वेश्चंस तो ट्रिक करके आगे बढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में डायरेक्टली रिपीट होते हैं, मींस फिगर भी चेंज नहीं होते हैं। तो इसीलिए आप कंसेप्ट को याद रखें, ताकि अगर चीज़ें घुमा फिरा के भी पूछी जाती है तो भी आप बता सकें। नेक्स्ट है, व्हेन अ पेल ऑफ वाटर इज स्वंग इन ए वर्टिकल सर्कल द वाटर डज नॉट फॉल आउट एट द टॉप ऑफ द लूप व्हेन द स्पीड इज। अब देखो इसमें क्या होता है कि पेल मतलब क्या है ना, एक सिलेंड्रिकल बर्तन है। अब एग्जांपल के तौर पे ले लो आप ग्लास, अगर ग्लास में अगर आप किसी चीज़ को अगर सोडा या कोई रसना या कोई अगर शरबत घोल रहे हो, तब क्या करते हो, ग्लास के एकदम राउंड राउंड अच्छे से जोर से घुमाते हो, बट घुमाने पे क्या होता है, पानी बाहर नहीं आता। एक पार्टिकुलर स्पीड के बाद पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं होते, वो लूप बना के घूमती रहती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, और स्पीड मतलब वो कौन सी स्पीड ऐसी होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है ना, ये वेन ए सर्टेन मिनिमम वैल्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन द पेल, मीन्स एक सर्टेन एक मिनिमम वैल्यू होती है जिसके कारण पानी आपका बाहर नहीं आता। तो इसमें क्या आएगा, सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मीन्स एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट है, हु इनन्सिएटेड द लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुके हैं। इसका सही जवाब है जॉन्स केपलर, ठीक है। सिंपल, आप केपलर याद रखें, कई बार ऑप्शन में सिर्फ केपलर भी होता है, ठीक है। प्लेनेटरी मोशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, केपलर ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, द रेडियंट एनर्जी हैविंग लोवेस्ट एनर्जी इज। अब देखो एनर्जी सिस्टम, आप थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एक बार शुरू से कि कहाँ से कैसे चलती है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे जो हाईएस्ट होता है ना वो होता है गामा रे, गामा रे के बाद आता है नंबर एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, फिर विजुअल लाइट, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स एंड रेडियोवेव्स। तो सबसे कम किसका होता है, रेडियोवेव, बट रेडियोवेव यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर सेकेंड लास्ट कौन सा होता है, माइक्रोवेव रेडिएशन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वन, माइक्रोवेव रेडिएशन। और सबसे अगर हाईएस्ट पूछे तो क्या होगा, गामा रे, बट यहाँ पे लोवेस्ट पूछा है इसलिए क्या होगा, माइक्रोवेव रेडिएशन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट इसमें किससे होता है, वाटर से, ठीक है। नेक्स्ट है, ए माइक्रोस्कोप यूज्ड इन पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज फॉर्म्स। अब देखो, माइक्रोस्कोप जो होते हैं ना, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी जो डॉक्टर के यहाँ होते हैं, तो अब देखो उसमें वो बोलते हैं किस तरह का इमेज बनता है, ठीक है। तो इसमें किस तरह का इमेज बनता है, तो इसमें बनता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल मैग्नीफाइड होता ही है, दोनों में है मैग्नीफाइड, ठीक है। वर्चुअल भी बनता है, दोनों में वर्चुअल है, बट इसमें क्या है ना, इन्वर्टेड इमेज बनता है, ठीक है, इरेक्ट नहीं बनता है। क्या बनता है, मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, थर्ड वन। नेक्स्ट है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मोर इन। तो साउंड की वेलोसिटी इसमें सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, स्टील में, ठीक है। थर्ड हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैन बी डिक्रीज्ड बाय।
अब देखो इस चीज को अगर डिक्रीज करना हो तब क्या करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, आईपीस का जो होगा ना जहां पे हम देख रहे हैं जो आंख के पास आता है उसका फोकल लेंथ हम क्या करेंगे थोड़ा बढ़ा देंगे, तो उससे क्या होगा कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ उसका क्या होगा थोड़ा घट जाएगा। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, सेकेंड वन। ठीक है, तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि ये वीडियो का पार्ट वन है और मुझे उम्मीद है कि आपने पहले खुद से अटेम्प्ट किया होगा और अपना जो भी स्कोर आया होगा ऑनेस्टली आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।